एक मंदिर से भगवान नगर भवन के लिए निकले हैं और एक मंदिर में पहुंच रहे हैं। वह राम मंदिर का भगवान आज कबेरिया धाम सिद्धगोड़ा में पधार चुके हैं और उनकी स्वागत के लिए, उनके भक्ति के लिए पूरी टीम लगे हुई है। जनरल सेक्रेटरी पुरी राव जी है जो इस विषय में बताएंगे कि कौन भगवान का आगमन हुआ था और इसमें आप लोग भगवान का स्वागत किए और भक्त इसमें कितने खुश होते हैं। ये बिष्टुपुर राम मंदिर में जो ब्रह्मोत्सव होता है, ये हर साल भगवान का नगर भ्रमण का एक कार्यक्रम होता है जिसमें भगवान को कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर जगह जगह तरह तरह हर मंदिर पर घुमाया जाता है। इसी अवसर पर आज सिद्धगोड़ा कांवरिया धाम बालाजी मंदिर में भगवान भ्रमण करते हुए बिष्टुपुर से सिद्धगोड़ा आए हैं। यहाँ हम लोग सभी भक्त को प्रसाद हलवा और भगवान का बहुत चहेता प्रसाद होता है खट्टा भात, जिसको हम लोग तेलंगी साउथ इंडियन में पुलियारो बोलते हैं, पुलियारो प्रसाद और हलवा का वितरण हुआ और कोल्ड ड्रिंक का वितरण हुआ। जितने भक्त हैं सबको हम लोग बढ़िया से भगवान का आरती हुआ, पूजा हुआ, जिसमें हम लोग का पूरा टीम काम किया और यही खुशी खुशी अब हम लोग भगवान को फिर विदा करें, भगवान को फिर विदा कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे भगवान, कितना दिन से आप लोग तैयारी कर रहे थे? ये तो अभी हम लोग एक हफ्ता से इसका तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में अभी आज भगवान का आगमन था तो सारे कार्यकर्ता यहाँ का जितना भी हम लोग का कमेटी के लोग है यहाँ में, सारे लोग पूरा निस्वार्थ भावना से सेवा में लगे। जय सुनील भाई, कौन भगवान आए हैं यहाँ पर? ये बिष्टुपुर बालाजी मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रही है। ब्रह्मोत्सव में क्या होता है, भगवान हर एक दिन एक एक रूप लेकर अलग अलग जगह भ्रमण करते हैं। आज भगवान किस रूप में? आज भगवान हनुमान के रूप में आए हैं हमारे यहाँ। हनुमान जी का आज हम लोग स्वागत किए हैं और भगवान बालाजी के रूप में भगवान है, हनुमान जी हैं, उनका स्वागत किए हैं और धूमधाम से किए हैं। आज भगवान का स्वागत किए, क्या क्या भगवान को भोग लगाया गया? भगवान को हम लोग तेलुगु में जो पुलिहारा होता है, पुलिहारा और हलवा हम लोग भोग चढ़ाए हैं। भगवान का स्वागत करने के लिए पूरा पुष्प की बारिश किया गया, महिला उसमें गोविंदा गोविंदा बहुत बड़े भजन गाते हैं। आज जो भगवान आए हनुमान जी के रूप में आए और इधर से फिर भगवान राम मंदिर में चल जाएंगे पूरे जमशेदपुर वासियों को, क्योंकि भगवान पूरा भ्रमण कर रहे हैं जमशेदपुर के हर मंदिर में। तो उस क्या कहना चाहेंगे जमशेदपुर के जो नागरिक है उनके सुख शांति के लिए? हम लोग यही चाहते हैं भाई, हम लोग का झारखंड खुशहाल रहे, सब घर में खुशहाली रहे, हर घर में भाईचारा प्रेम बना रहे और झारखंड समृद्धि की ओर बढ़े, यही हम लोग भगवान से कामना है। यही भगवान से कामना है कि झारखंड खुशहाली हो, सबके घर में आर्थिक सुखी हो और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रचंड गर्मी में भगवान थोड़ा बारिश जरूर करें। ये भी बरसात भगवान सब लोग मान रहे कि आकाश में झमाझम बारिश हो और सब गर्मी से जनता को राहत मिले। और यह गोविंदा गोविंदा से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि भगवान इस पृथ्वी को जो जल रहा है उसको जरूर शांति करें। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और सभी को धन्यवाद, जोहार।